क्रांतिकारी सलाम दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त धर्मेंद्र मसाणी पंजाब तो। मैं बहुत अहम विषय से अज थोड़ा ध्यान दवाना चाहना। मैं लगता पंजाब दे विच हले इस पासे किसी का ध्यान नहीं गया। प्यारे दोस्तों, अज 6 दिन हो गए अपने देश दियां धीआं सड़कां ते बैठियां आ, दिल्ली दियां सड़कां ते जंतर मंतर दियां धीआं बैठियां। वह धीआं कौन आ, वह कुड़ियां कौन आ, वह साडियां भैणां कौन आ? वह हैगियां कोई आम कुड़ियां नहीं गियां, वह आम कुड़िया नहीं, वह हैगियां देश नूं, साडे भारत देश नूं गोल्ड मैडल दवाउण वालियां जिहड़ियां रैसलर कुड़ियां आ, साडे देश नूं गोल्ड मैडल जिताउण, जिन्हां दे विच नां साक्षी मलिक नूं तुसीं पूरी दुनिया जाणदी आ, गोल्ड मैडलिस्ट है साडी भैण, विनेश फोगाट है, फोगाट भैणां दे विचों इक धी है। वह रो रही कुड़ियां जंतर मंतर ते, अज 6वां दिन आ, कुड़ियां रो रही आ, रो क्यों रही आ? मैं थोड़ा ध्यान दवाना चाहाँगा, रो इस करके रही हैं कि उन्होंने नाल उन्होंने ग्रुप दिया कुड़ियां उन्होंने नाल यौन शोषण होया, उन्हों का शरीरक शोषण किया गया, जिन्होंने यौन अतपीड़न आप कहने हैं। उन्होंने कुड़ियों का दोष आ कि उन्होंने कुड़ियों का दोष आ जिहड़ियां जंतर मंतर ते बैठिया। देखो तुसीं साडे देश नूं गोल्ड मैडल जिन्होंने लैके दिता, जिन्होंने सिल्वर मैडल लैके दिता, अज जिन्हां दे नाल जदों वह गोल्ड मैडल लैके भारत आईयां तां साडे हकूमत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुणी उन्हां दे नाल फोटोआं ऑन रिकॉर्ड जिहड़ियां हुण सोशल मीडिया से वायरल हो रही आ, ऑन रिकॉर्ड उन्हां दे नाल फोटोआं कराईआं जांदियां आ। और अज वह धीआं बैठियां 6वां दिन अज जंतर मंतर दिल्ली दीआं सड़कां ते बैठियां आ, थल्ले उन्होंने बेचारियां ने बिछाईआं होईआं दरियां वगैरह गद्दे वगैरह, और जिन्हें अपने रैसलिंग संघ दीआं कुड़ियां उत्थे बैठियां आ। उन्हां दे साक्षी मलिक है विनेश फोगाट, रो रही कुड़ियां छोटियां, उन्हां दा की कहानी की आ? उन्हां दे नाल छोटियां बच्चियां आ, 2014 तो एक घटना चक्कर चलता आउंदा आ, ये जिहड़ा यौन अतपीड़न दा आ, इहदी विशेष तौर पर इहदी रिपोर्ट तैयार की गई है। ये इंडियन जिहड़ी अज मैं स्टेटमेंट जिहड़ी दे रहा तुहानू, वह हवाला इंडियन एक्सप्रैस दा आ। इंडियन एक्सप्रैस ने एक रिपोर्ट तैयार की आ जिहड़ी पूरी भारत दे विच टाइम वायरल आ, पूरे भारत दे विच तुसीं सोशल मीडिया ते जाके देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रैस की यह खबर आ, और उन्हां दा इल्जाम आ कि छोटी उम्र दीआं लड़कियां जिहड़ियां जो कैंप दे विच रहिंदियां सी, रैसलिंग कैंप दे विच, उह रात नूं एक फाशीवादी हकूमत जां कह लो कि हुण दे जिहड़ी हकूमत आ उन्हां दा एक नेता ब्रिज भूषण सिंह उन्हां नूं रात दे समय अपने कोल बुलाउंदा सी, ते उन्हां ने स्टेटमेंट दित्ती आ कि उह साडा यौन उत्पीड़न यौन शोषण साडा करदा सी। अच्छा, हुण सवाल इह पैदा हुंदा दोस्तों, सोशल मीडिया ते तुसीं कढ के देख सकदे हो कुड़ियां बैठियां जंतर मंतर ते। हुण मेरा सवाल है कि आ कि जिहड़े भारत के वड्डे खिडारी आ वो उन्हां दे हक दे विच हाँ दा नारा क्यों नहीं मार रहे? जिहड़े वड्डे खिडारी आ जिन्हां दे विच सचिन तेंदुलकर आ, महेंद्र सिंह धोनी आ, विराट कोहली आ, वो हुण देखो उन्हां दा तां भाईचारा आ, वह एथलीट आ कुड़ियां, वह कुड़ियां रैसलर आ, कुड़ियां मुक्केबाज आ। और दूजे नंबर से पहली गल ये आ कि वह भारत के लिए गोल्ड मैडल जित चुकियां आ, सिल्वर मैडल जित चुकियां आ, ब्राउंस मैडल जित चुकियां आ। हुण सवाल ये आ कि गोल्ड मैडल जितियां हुई धीआं दे नाल इह काम हो रहा आ तां साडियां आम धीआं दा की हाल हुंदा होगा? जिहड़ियां साडे देश दीआं आम साडे भारत दीआं आम जिहड़ियां धीआं आ, गरीब घरां दीआं कुड़ियां आ, उन्हां दे नाल की हुंदा होगा? हुण तुसीं इह सोच के देखो, जिहड़ी सुनवाई इन्हां दी नहीं हो रही, हाले तक FRI दर्ज नहीं की गई हाले तक। अच्छा, मैं होर एक हवाला देना चाहाँगा, किसान मजदूर अंदोलन चलिया सी उदों, एक फैक्ट है, दो कुड़ियां ने जिहड़ियां साडे भारत दीआं नहीं सी, विदेशी सैलीब्रिटी सीगियां, उहदे विच सीगा रेहाना, एक सी ग्रेटा थंबर्ग जिहनूं कहिंदे आ। उन्हां कुड़ियां ने सिर्फ छोटियां जिहियां लाइनां दे विच ट्वीट कीता सी, ट्वीट की कीता सी, ग्रेटा थंबर्ग ने सवाल कीता सी कि इंडियन हकूमत नूं कीता सी किसान मजदूर अंदोलन विच इंटरनेट भी बंद कर दिता आ, सिर्फ उहदी इन्नी गल कहण ते उहदे इंडिया दे विच भारत दे विच उहदे ते परचा दर्ज कीता जांदा आ। रेहाना ने की किया सी? रेहाना ने सिर्फ ट्वीट कीता सी कि सरकार नूं किसान मजदूरों की गल सुननी चाहिए, वह भी परचा दर्ज कर दिता। हुण तां साडियां आपणियां धीआं बैठियां आ, थोड़ी हुकूमत दे जिहड़े थोड़े लोग पाले हुए ने उन्हां दे खिलाफ एक मैडल जितियां हुई धीआं बैठियां आ, कोई इंसाफ नहीं। अच्छा, उन्हां दे परचा दर्ज कर दिता गया, खिडारी कोई बोलता नहीं, जिहड़े नामवर खिडारी आ कपिल देव आ, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, वह क्यों नहीं? इहदा मतलब की समझ सकते हो तुसीं? इहदा मतलब की आ? ये तुसीं बहुत सूझवान हो, तुसीं समझ सकते हो। मेरा अज दी वीडियो दा तुहाडे मूहरे मैं, क्योंकि जदों किसे इदां दी धक्का हुंदा, जदों हाईलाइट जिहड़ा बहुत कहिंदा मतलब बहुत दरिंदगी भरिया हुंदा आ, उदों मैं बोलना बहुत
हर एक शख्स का बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, हर एक धक्के खिलाफ अपना इकट्ठा हो के जरूरी, क्योंकि ये घर ये जी अग लगी हुई है ना, ये साड़ियां धीं भैणों जिंदगी करन दी, किसी दिन साढ़े घर तक भी आ सकती है। किसान मजदूर अंदोलन से जिहड़े हुण बॉलीवुड क्यों नहीं बोल रहा, बॉलीवुड तो क्रीम आ साडे देश की, अपने साक्षी मलिक हुणी तो गोल्ड मैडलिस्ट ने। अच्छा जदों किसान मजदूर अंदोलन चलिया सी तां अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, कुछ मैनी मोर, कंगना रनौत, इन्हां ने सरकार का पक्ष पूरिया सी, इन्हां ने सरकारां नाल हो गया सी, नहीं जी वो तो अंदोलनकारी आ, परजीवी आ, वो तो अतवादी आ, वह तो इदा, वह तो इदा, ठीक नहीं। हुण क्यों सवाल यह है कि हुण साढ़े गोल्ड साडा सोना बैठा सड़कों पर, साडियां धीआं बैठियां दिल्ली दीआं सड़कों पर, हुण वह कित्थे आ, हुण वह क्यों नहीं ट्वीट कर रहे। मैं ध्यान दवाना चाहागा कि पी टी ऊषा, थोनों सारे पता पी टी ऊषा के नाल किसी वेले वह कैमरे पर आई सी, पी टी ऊषा कैमरे पर आई, उन्हें रो के तुसीं कढ के देख सकते हैं, पी टी ऊषा क्राइंग ऑन कैमरा, उन्हें रोंदी हुई ने अपनी दर्द कहानी दसी सी कि मेरे नाल धक्का हो रहा, अज उहदा की बयान आया, अज उहदा बयान की है, उहदा जिहड़ी आप कैमरे पर रो रो दस रहे सी, अज उह धीआं रो रहीआं, उह पी टी ऊषा आप रोई सी, पी टी ऊषा ने कहा सी मेरे नाल धक्का हो रहा, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, अज उह क्योंकि हकूमत विच आ, उह संसद आ, एक बीजेपी धिर दी संसद आ, उहदा बयान आया कि इह जिहड़ियां लड़कियां बैठियां आ इह अनुशासन भंग कर रहीआं आ और देश का नाम, देश का नक् कटा रही है। अच्छा जो तुम कैमरे पर रोंदे उदो देश का नक् नहीं कट हों, पी टी ऊषा तुम बहुत वधिया दौड़ रहे हो भैन जी, पर थोड़ी जी दिशा है वह बिल्कुल रोंग है, और मैं दस देना चाहना कि यह संसद आ। एक त मैं होर ध्यान दवाना चाहागा कि इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट के कुछ तत्थ सामने लेंदे उन्होंने, वो तत्थ किहड़े आ, पहले नंबर पर उन्होंने कहा कि महिला खिडारियों को रात को बुलाउंदा सी खेड मंत्री, तो उन्होंने नाल यौन शोषण किया जाता सी। दूसरा फैक्ट है भारतीय महिला खिडारियों की शरीरक शोषण की दर्दनाक कहानी है, यह दूसरा फैक्ट है। फिजियोथरैपिस्ट सब तो बड़ा जो सब तो बड़ा कानूनी दापेच आ, उस समय के जो फिजियोथरैपिस्ट थे उन्होंने नाम सी परमजीत, फिजियोथरैपिस्ट के हवाले नाल दस्या गया है कि लखनऊ कैंप में लड़कियों रात को अपने कोल बुलाया जाता सी, इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट कह रही है। एक यौन उत्पीड़न 2014 तो चलता आ रहा है, ये इंडियन एक्सप्रैस की रिपोर्ट कह रही है। परमजीत मलिक जड़ा उस समय का फिजियोथरैपिस्ट है, जदों यह जांच कमेटी बिठाली गई, ये जदों उन्होंने धीआं का यौन उत्पीड़न शोषण हुंदा सी, जदों उन्होंने नाल इस तरह का कांड हो रहा सी, एक कमेटी बिठाली गई जिहदे मूहरे परमजीत मलिक ने बकायदा तौर पर बयान दिता कि हाँ यह होया, यह 2014 तो चलता आ रहा, यह सारा कुछ अंक तथड़े। परमजीत मलिक ने उन्होंने कहा कि उसने तत्कालीन महिला कोच कुलदीप मलिक को सारी जानकारी दिती, एक्सप्रैस इंडियन एक्सप्रैस कह रही है जानकारी दिती, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सो प्यारे दोस्तों एक बार फिर सवाल होना था, जे साडे देश दियां इन्हां धीआं दे नाल रैसलर धीआं जिहड़ियां उह सड़कां ते 6 दिन हो गए बैठिआं नूं इनसाफ लैण दी खातर, तां तुसीं इह सोच के देखो कि भारत की आम नारी का हाल की हुंदा होगा। चलो आम नारी नूं छड्डो, तुसीं इह सोच के देखो जिहड़े गरीब मजदूर जिहड़े झुग्गियां झोंपड़ियां दे विच रहिंदे आ, मनीषा हाथरस दे विच इक कांड होया सी, गरीब घर की उह धी सीगी, उहनूं भारत के इतिहास के विच पहली बार इह घटना, दुनिया के इतिहास पहली बार हुई सी कि 2 बजे रात के उहनूं अपनी माँ नूं नहीं मिलन दित्ता, उहदे पिओ नूं उहदा मूँह तक नहीं देखण दित्ता, उहनूं रात नूं जला दित्ता गया सी, उन्होंने आप इदा नहीं कहा बॉडी में जला दिता गया, आप नहीं कह सकते कि संस्कार कर दिता गया। मैं पंजाब तो उन्हां भैणां दे हक दे विच नारा हाँ का नारा मारदा हां कि भैणों असी तुहाडे नाल आ, मेरी वीडियो साक्षी मलिक तक पहुँचूगी, फोगाट तक पहुँचूगी, मैं उन्हां तक ये वीडियो किसी ना किसी तरीके पहुँचावगा, और मैं अपनी जिन्नियां भी मैं जथेबंदियों जुड़िया हुआ हाँ। प्यारे दोस्तों तुसीं दिल्ली बैठे हो, मैं हक का नारा मार रहा, बहुत जल्द असी कुछ साथी थोड़े विचकार आवांगे ते थोड़े नाल बैठ के हुकूमत नूं ललकारांगे, तुहानूं इनसाफ दवाउण दे लई साडे कोल जो भी होया असी थोड़े नाल आ, असी संघर्ष दे विच थोड़े नाल आ, असी जंतर मंतर थोड़े नाल बैठांगे। पंजाब पंजाब मैं पंजाब दा नौजवान जिम्मेवार नौजवान धर्मिंदर मसाणी मेरा नाम है, मैं थोड़े नाल वादा करदा सी बहुत जल्द आवांगे। सो दोस्तों तुसीं जिहड़ी मेरी वीडियो तुसीं सुन रहे हो, जिहड़े भी मेरे साथी जिन्ने भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो सुन, इस मुद्दे ते अपनी फेस पहलां उहदा अंकड़े इकट्ठे कीते जाण, पहलां तुसीं यूट्यूब ते जाओ, तुसीं साक्षी मलिक नूं देख सकदे हो, निरपक्ष पत्रकारी कर, जिहड़े चाटूकारता करदे आ, जिहड़े पत्रकार चाटूकारता करदे, चाटूकार दा मतलब कुत्ते पालतू जिद्दां अपने मालकां दे पैर चट्टदे आ, इह चाटूकारता मीडिया नूं तुसीं ना देखियो,
ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਧੀਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ